नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ताजे नारियल और गुड़ के लड्डू। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और गुड़ का इस्तेमाल किया है तो हेल्दी भी हैं। चीनी से बने हुए नारियल के लड्डू तो आपने पहले भी बनाए और खाए होंगे, पर इस तरह से एक बार गुड़ से बने हुए इन लड्डुओं को बनाकर जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो जो लोग चीनी नहीं खाते हैं वो भी गुड़ से बने इन लड्डुओं का मजा ले सकते हैं। घर में आसानी से मिलने वाली बहुत ही कम सामग्री से ये झटपट कम समय में बन भी जाते हैं। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। कप से नापो तो ये 2.5 कप होते हैं। 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम भी लिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लें। 1 कप और 1/4 कप गुड़ लिया है। यहाँ पर हमें गुड़ नारियल का आधा लेना है, तो जिस कप से हमने नारियल लिया था उससे ही नाप कर मैंने गुड़ ले लिया है। इतने गुड़ में ये लड्डू अच्छे मीठे हो जाते हैं, पर अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हो तो गुड़ की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, फ्लेम को लो कर लें और अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से इनमें जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इन्हें हल्के से घी में भी भून सकते हो। और अब इनका कलर चेंज हो गया है, ये भून चुके हैं। इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो अभी इन्हें ठंडा होने छोड़ देंगे। वापस मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, फ्लेम को लो रखेंगे और अब पूरे टाइम हमें फ्लेम को लो ही रखना है। 1 बड़ा चम्मच भर कर मैंने इसमें देशी घी डाल दिया है। इसकी जगह पर आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर जब भी कभी हम कोई मिठाई बनाते हैं तो देशी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे मिठाई का टेस्ट बढ़िया आता है। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें ग्रेटेड नारियल डाल देते हैं। इसे लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम को लो रखना है। नारियल को इस तरह से भूनकर इस्तेमाल में लेने से इसमें जो मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और इस तरह से लड्डू जल्दी खराब नहीं होंगे। तो लो फ्लेम पर आप इसे चलाते रहें, क्योंकि अगर आपने चलाना बंद किया तो ये नीचे से जल सकते हैं। और अब इसे मैंने 10 मिनट तक भून लिया है और अब आप देख सकते हो इसका सारा पानी सूख चुका है और ये एकदम ड्राई हो चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। गुड़ को तोड़कर मैंने इस तरह से तैयार कर लिया था और ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसमें किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी नहीं है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही डाल दिया है। और कुछ सेकेंड्स ही चलाने के बाद आप देखोगे कि गुड़ मेल्ट होने लग गया है। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब 2-3 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और नारियल के साथ मिक्स भी हो चुका है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ठंडा होने के बाद इन्हें मैंने इस तरह से खलबट्टे में छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार कर लिया था। इसी स्टेज पर इसमें मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल दिया है। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है जितने को हम हाथ से टच कर सके। तो इसे हम हल्के गरम गरम में ही लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। कम्प्लीटली ठंडा नहीं करेंगे वरना लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो जैसे ही ये थोड़े ठंडे हुए हैं मैंने इनके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लड्डू अपने मनपसंद की साइज के बना लें। इसे डेकोरेट करने के लिए और इसके लुक को बढ़ाने के लिए मैंने इसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल के चूर्ण में इस तरह से घुमा दिया है। और अब ये हमारा फ्रेश कोकोनट जैगरी लड्डू तैयार हो चुका है।
आप भी इन हेल्दी और टेस्टी लड्डुओं को बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। इन्हें आप रूम टेम्परेचर में रखकर एक हफ्ते तक और फ्रिज में रखकर एक महीने तक खा सकते हो, ये खराब नहीं होते। और अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो और शुगर अवॉइड कर रहे हो, तब भी इन लड्डुओं को आप बनाकर खा सकते हो। तो आज की ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।